आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, इसी को लेकर चंडीगढ़ में विक्ट्री रैली का आयोजन किया जिसमें आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताया है, जैसे काम दिल्ली में किए गए वैसे ही काम चंडीगढ़ और पंजाब में करेंगे। किया, बहुत विश्वास किया हमारे ऊपर, उनका विश्वास हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया वैसे चंडीगढ़ में भी अच्छा काम करेंगे और फिर पंजाब में भी अच्छा। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी में एक तरह से खुशी की लहर है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जीत करके एक नया कीर्तिमान साबित किया और हमारे साथ चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। साहब सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज केजरीवाल साहब के आने का मुख्य कारण था जो चंडीगढ़ की जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया है उसके लिए धन्यवाद करना था, तो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। इसका मेन है कि सारे देश में एक संदेश गया है कि आम आदमी पार्टी अब आ गई और एक सबसे बड़ी सीट जो वार्ड 17 की कही जा रही है कि मौजूदा मेयर रविकांत शर्मा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के तो तीनों एक्स मेयर तीनों को ही हराया है इस बार और जो अरुण सिंह जी प्रेजिडेंट है उनके भी जो वार्ड है उसमें से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में एक तरह से खुशी का माहौल है और ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रेम गर्ग। अब आगे चल करके देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की ये विजय यात्रा क्या 2022 विधानसभा चुनाव में असर डाल पाएगी। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आ गया जहां पर खुद सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे और ऐसे में नगर निगम में चुनाव की जीत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है जहां पर वह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है और अपना परचम लहराने के दावे कर रही है। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर देखी गई जहां पर इसी को लेकर विक्ट्री रैली का भी आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा जिसमें आपके संयोजक केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में भी लोग उनका साथ देंगे, जैसे काम दिल्ली में किए गए हैं वैसे ही काम चंडीगढ़ और पंजाब में भी करेंगे। तो खुद रैली में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और ऐसे में ये रैली जो थी वह विक्ट्री रैली के नाम से आयोजित की गई थी और इसके साथ ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल